पहले दिन क्या क्या हुआ है कि इस कार्यवाही में सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान बनाए गए थे, उन्होंने सभी विधायकों को बारी बारी से शपथ दिलाई। तो वहीं पहले दिन की कार्यवाही में विधानसभा के स्पीकर का चुनाव भी हुआ था और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। तस्वीरें सोमवार की है, दिन था 14वीं विधानसभा के पहले सत्र का। ज्ञानचंद गुप्ता के विधानसभा स्पीकर की कुर्सी पर आसीन होते ही खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लग चुकी थी। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन बहुत कुछ यादगार रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी विधायकों सहित पैदल ही विधानसभा तक पहुंचना। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का अनुभवी नव निर्वाचित विधायकों के साथ पहली बार चुनकर आए विधायकों को शपथ दिलवाना। मुख्यमंत्री का विधानसभा को संबोधित करना और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का व्यंग्यात्मक लहजे में स्पीकर से वार्ता करना सब चर्चा का विषय रहा। सबसे पहले सीएम मनोहर की बात की जाए तो उन्होंने जहां विधायक दल की बैठक के बाद पैदल मार्च किया तो वहीं इस पैदल मार्च के पीछे की अच्छी वजह भी बताई। तो स्वाभाविक है, हमारी सेटिंग्स भी बढ़ेंगी, हमारा समय भी ज्यादा बढ़ेगा, तो उसकी ओर हम जरूर ध्यान करें। अभी वैसे तो इससे पहले कोई सीधी सीधी जानकारी तो सदन में तो मिली नहीं, आज मिलेगी, जब भी मिलेगी, लेकिन अखबारों में जरूर पढ़ा है कि हमारे विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी को पार्टी ने उनकी पार्टी ने चुन लिया है, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं। और यदि वही बात की जाए सदन की कार्रवाई की तो कार्रवाई से पहले जहां प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान को हरियाणा के राज्यपाल ने शपथ दिलवाई तो वहीं एक एक कर उन्होंने भी कार्यवाही के नियमानुसार सीएम डिप्टी सीएम समेत सभी विधायकों को शपथ दिलवाई। नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय द लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी Integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. विधायकों को शपथ दिलवाने के बाद बारी थी स्पीकर का चुनाव करने की। स्पीकर को चुनने के लिए प्रोटेम स्पीकर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी ओर से पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का नाम सामने रखा और सर्वसम्मति से सदन ने ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा का अध्यक्ष चुन दिया। विधानसभा स्पीकर के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित किया और सदन की गरिमा बनाए रखने की सब विधायकों से अपील की। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी ओर से सदन के सामने अपनी बातें रखी। जनता भी सोचती है कि हम लोगों ने यानी जनता को, लोगों को लगता है कि हमने अपने सदस्यों को कितना जोश से और कितना अपेक्षाओं के साथ भेजा था और वहाँ जा कर के वो समय खराब करते हैं। मतलब ये अवसर कम से कम आए ना आए, यानी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके सदन के विषयों को गंभीरता से थोड़ा सा हल्का करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे कटाक्ष नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे को चुभने की स्थिति में आ जाए। ये बात पिछली बार भी मैंने कही थी, व्यंग हों, हास्यात्मक हों, उससे हल्का बनाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला ने भी इस दौरान शपथ ली। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं पांचवी बार आया हूं, तो वहीं विधानसभा में कुछ छठी बार भी आए हैं, तो ये उनकी छठी हो गई। और इसके साथ ही सदन में ठहाका गूंज उठा। तीन आज मेरी छठी है। वहीं अभय चौटाला ने भी ज्ञानचंद गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि स्पीकर साहब सबका ख्याल रखें। जहां विधानसभा सत्र में पहले शपथ ली गई और फिर ज्ञानचंद गुप्ता को स्पीकर चुना गया और बधाइयों का दौर चला। दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सदस्य के तौर पर विधानसभा में पहला कदम रखने से पहले प्रवेश द्वार पर माथा टेक कर परिसर में प्रवेश किया। उनके साथ उनकी मां विधायक श्रीमती नैना सिंह चौटाला भी मौजूद रही। गौरतलब है कि 31 साल के दुष्यंत चौटाला
हरियाणा के अब तक के सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो नई सरकार का ये जो विधानसभा सत्र है पहला है और पहले दिन बहुत कुछ यादगार है विधायकों के लिए।